एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटा का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहू अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की तो कमी नहीं था, वही बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वही उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के करीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा पैसा रोते हुए जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझा कर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटा से कहती कि यह पास मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके एक खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजती है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती खाने के लिए उसमें बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है। देखकर फिर अपने पति के पास जाकर कहती कि दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया है, इसलिए इतने सारे धन की है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला और वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन से सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े मिठाई कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए।